वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेल अबाउट हाउ टू राइट इंग्लिश पैराग्राफ ऑन पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं राजनीति पॉलिटिक्स पे कैसे इंग्लिश में एसे या कैसे इंग्लिश में पैराग्राफ राइट करेंगे, उसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं, बहुत ही ईजी में बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राज प्लस नीति। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, वो दो शब्दों का एक समूह है, राज और नीति, राज प्लस नीति। पॉलिटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राज प्लस नीति। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज और नीति। राज का मतलब दोस्तों होता है शासन, और नीति का मतलब होता है उचित समय, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना राजनीति कहलाती है। राज मीन्स गवर्नेंस एंड नीति मीन्स राइट टाइम टू रूल बाय अ पर्टिकुलर पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। राज का मतलब होता है शासन, और नीति का मतलब होता है उचित समय, अर्थात नीति विशेष के द्वारा जो शासन करना होता है वो राजनीति कहलाती है। राज मीन्स गवर्नेंस एंड नीति मीन्स राइट टाइम टू रूल बाय अ पर्टिकुलर पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, फुल स्टॉप। जिसमें जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को अच्छा करना राजनीति है। इन विच इट इज पॉलिटिक्स टू इम्प्रूव द सोशल इन विच इट इज पॉलिटिक्स टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल ऑफ द पीपल। जिसमें जनता के सामाजिक, सोशल एंड इकोनॉमिक और एवं आर्थिक स्तर को, लेवल को जो है वो अच्छा करना राजनीति है, लेवल ऑफ द पीपल। इन विच इट इज़ पॉलिटिक्स टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल ऑफ द पीपल। पॉलिटिक्स इज इन एवरी कंट्री, वेदर इट इज अ स्मॉल कंट्री और अ बिग कंट्री। राजनीति प्रत्येक देश में है, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो। पॉलिटिक्स इज इन एवरी कंट्री, वेदर इट इज़ अ स्मॉल कंट्री और अ बिग कंट्री। राजनीति प्रत्येक देश में है, चाहे वो देश छोटा है और चाहे वो देश बड़ा है, प्रत्येक देश में है। इन ऑर्डर टू रन एनी कंट्री, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति में जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश चलाते हैं। इन ऑर्डर टू रन एनी कंट्री स्मूथली, कॉमा द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इन द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इन पॉलिटिक्स runs the country in order to run any country smoothly the government elected by the people in politics runs the country। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति में जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश चलाते हैं। किसी भी देश के निर्माण में, उन्नति में राजनीति का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। प्रत्येक देश के राजनीति में अलग अलग दल होते हैं, और जिसे देश को चलाने के लिए जनता चुनती है। पॉलिटिक्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, देयर आर different parties, there are different parties in the politics of each country।
विच द पीपल चूज टू रन द कंट्री। किसी भी देश के निर्माण में उन्नति में राजनीति का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। प्रत्येक देश की राजनीति में अलग अलग दल होते हैं जिसे देश को चलाने के लिए जनता चुनती है। देर आर डिफरेंट पार्टीज इन द पॉलिटिक्स ऑफ इच कंट्री विच द पीपल चूज टू रन द कंट्री। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द देश के विकास राजनीति में राजनेताओं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देश की जनता राजनेताओं को चुनते हैं और देश की बागडोर उन नेताओं के हाथ में देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिशियंस इन पॉलिटिक्स बिकॉज द पीपल द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिशियंस इन पॉलिटिक्स बिकॉज द पीपल ऑफ द कंट्री चूज द पॉलिटिशियंस। देश के विकास राजनीति में राजनेताओं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देश की जनता राजनेताओं को चुनते हैं और देश की बागडोर उन नेताओं के हाथ में दे देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिशियंस इन पॉलिटिक्स बिकॉज द पीपल ऑफ द कंट्री चूज द पॉलिटिशियंस एंड गिव द रेंस ऑफ द कंट्री इन द हैंड सॉरी इन द हैंड्स ऑफ। अतः हम सभी को अपने देश का विकास करने के लिए एक पढ़े लिखे और एक योग्य नेता को चुनना चाहिए जो देश के राजनीति का सही इस्तेमाल करके देश की प्रगति कर सके। राजनीति किसी भी सरकार का आधार होता है। टू मेक द नेशन स्ट्रांग एंड इफेक्टिव, राष्ट्र को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों को राजनेताओं के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। राजनीति किसी भी सरकार का आधार होता है। टू मेक द नेशन स्ट्रांग एंड इफेक्टिव कॉमा पीपल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, राष्ट्र को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों को राजनेताओं के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। टू मेक द नेशन स्ट्रांग एंड इफेक्टिव पीपल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पॉलिटिशियंस, राजनीति किसी भी सरकार का आधार होता है। पॉलिटिक्स is the basis of any politics is the basis of any government, राजनीति जो किसी भी सरकार का आधार होता है। उसके दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पैरा। अतः हम सभी को हम सभी को अपने देश का विकास करने के लिए एक पढ़े लिखे और योग्य नेता को चुनना चाहिए जो देश के राजनीति का सही इस्तेमाल करके देश की प्रगति कर सके। Therefore, to develop our country, we will should choose an educated and capable leader who can make progress, who can make a progress of the country by using the country's politics properly। देश का भविष्य राजनीति में राजनेताओं पर निर्भर करता है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिशियंस, देश का भविष्य राजनीति में राजनेताओं पर निर्भर करता है। पॉलिटिशियन इन पॉलिटिक्स। तो दोस्तों ये था पॉलिटिक्स पे इंग्लिश में पैराग्राफ आप कैसे राइट करेंगे जो मैंने आज आपको बताया है। हाउ टू राइट ए इंग्लिश पैराग्राफ ऑन